है गाइस, तो हम सब कौशाम्बी घूमने आए हैं। ये हम हैं, ये हमारी बानर सेना है। बानर सेना में परम चूतिया मित्र जतिन और सत्य मारिया जी हैं, और ये मारिया जी हमारे शैलेंद्र हैं। तो हम सब यहाँ कौशाम्बी भ्रमण पे आए हैं। सो गाइस, यहाँ से उदयन किला जाने का सफ़र शुरू होता है, जो घोसीताराम बिहार यानी जहाँ से हम निकले हैं, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो हम घोसीताराम बिहार से उदयन किले की तरफ निकल चुके हैं। घोसीताराम बिहार की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध यहाँ पर आए थे, यानी जब इस राज्य में वो आए थे, तो उनके रहने के लिए ही घोसीताराम बिहार का निर्माण किया गया था। फिर वहाँ से हम उदयन किले की तरफ निकल चुके हैं, जो घोसीताराम बिहार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारे रास्ते मौज मस्ती करते हम वहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम घोसीताराम बिहार का इतिहास आपको चलते चलते बताते चलते हैं। उदयन चंद्रवंश के राजा और सहस्रनई के पुत्र थे। वत्स का निवृत्त, जिनकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इलाहाबाद जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर बसा हुआ है। यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि अब पूरी तरीके से खंडहर में बदल चुका है। यहाँ के पुरातात्विक विभाग की तरफ से इस पर ध्यान ना देने के कारण यह धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अब देख सकते हैं कि इस तरफ यमुना नदी है, यमुना नदी से ही सटा हुआ ये किला बना हुआ है। इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पर इसका वर्णन बुद्ध के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इसका उल्लेख तब मिला जब घोसीताराम बिहार की खुदाई की गई, उसी दौरान यहाँ पर नामित पट्टियाँ भी मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि बुद्ध घोसीताराम बिहार में आके रुके थे, जो कि उदयन के राजा ने उसे बनवाया था। यह नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पहले की सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे ही बसा करती थी, तो यह भी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। हालांकि आप कौशाम्बी आएँ और घोसीताराम बिहार घूमने आएँ, तो वहाँ से यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और कौशाम्बी मुझे बेहद पसंद भी रहा है। मैंने अपने जीवन का स्वर्णित काल लगभग 3 वर्ष कौशाम्बी में व्यतीत किया है, तो इसलिए मुझे कौशाम्बी बेहद ही पसंद है। वो कहते हैं कि मैं डूबा तुझ में हूँ तो मुझ में समाया सा लगता है, मैं डूबा तुझ में हूँ तो मुझ में समाया सा लगता है, तुझे छोड़कर ये सारा जहाँ पराया सा लगता है। सो मैं कोई शायर नहीं, फिर भी हालांकि ये इलाका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रूरल भी है। अगर आप बात कह रहे हैं तो ये एक स्थिर से इलाके लगते हैं, जो आधुनिकता में कहीं पीछे छूट गए हों। सो इसी को एक्सप्लोर करने आए हैं। हम इंजीनियर हैं, हम पुरातत्व विभाग से नहीं हैं, फिर भी इसे घूमने हम लोग निकल पड़े हैं। सो ये रहा उदयन किला। अब हम आगे बढ़ेंगे पभोसा की तरफ। तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।